मध्य प्रदेश के कर्मचारी यूनियन ने केंद्र के समान महंगाई भत्ता और बड़ी पेंशन के साथ साथ अन्य 12 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। बताया जाता है कि पूरे प्रदेश के लगभग 7.5 लाख कर्मचारियों की मांग जुड़ी हुई है। कर्मचारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री हिटलर शाही छोड़ दें, नहीं तो जिस तरह जर्मनी के हिटलर की दशा हुई थी वही दशा होगी। कर्मचारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री यह भूल जाएं कि प्रजातंत्र उनकी मुट्ठी में है, कर्मचारी के साथ स्वतेला व्यवहार करना बंद कर दें। आइए आपको सुनाते हैं कर्मचारियों ने किस तरह से अपना आक्रोश व्यक्त किया और क्या है उनकी मांगे। ये केंद्र के समान महंगाई भत्ता और पुरानी पेंशन लागू करने, द्वीपीय वर्गों का वेतन विसंगत एवं अन्य 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारी पूरे प्रदेश में ज्ञापन कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं। और आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हिटलर शाही छोड़ दें, नहीं हिटलर, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, जिस तरह से जर्मनी और रूस का हालत हुई थी आज बहुत पहले की बात है, तो चाहे मोदी जी हों चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी हों, ये भूल जाएं कि ये पूरा प्रजातंत्र हमारे मुट्ठी में है, चूँकि गरीब अमीरों के लड़ा के आपस में और कर्मचारियों को एक तरफ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, कोई भी मांग कर्मचारियों को नहीं करे। अभी 60 दिन तक स्वास्थ्य कर्मचारी संघ बेचारे हड़ताल में बैठे रहे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 मिनट का समय नहीं मिला कि उनसे बात कर लें। मैं ये सभी कर्मचारी संघों की ओर से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी आदत सुधार लें, अन्यथा जैसे 16 में उनकी हालत हुई थी 18 में उसी तरह उनकी हालत पुनः होने वाली है, हम लोग संकल्प ले लिए हैं। मुख्य मांगे हमारी 12 सूत्री मांगे हैं, मैं मांग पत्र पढ़ के सुनाई देता हूँ आपको। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देते हुए एरियर की राशि का भुगतान किया जाए। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी से निगम मंडल इत्यादि का भत्ता व अन्य भत्ते सातवें वेतनमान अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को समान दिया जाए। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी सहित पेंशनों निगम मंडल इत्यादि के कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्रिपरिषद के आदेश दिनांक 5 अप्रैल को पारित हो गया, अभी तक वो नहीं किए, मंत्रिमंडल ने कर दिया। लिपिक वर्ग को मंत्रालय के समय मान वेतनमान दिया जाए। पंचायत सचिव और स्थायी कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाए। प्रदेश के कार्य दैनिक वेतनभोगी संविदा स्थायी कर्मी या अन्य पदों में रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्तिकरण करने के उपरांत शेष पदों पर शेष भर्ती की जावे एवं विभागाध्यक्ष को अपने विभाग में उपरोक्त कर्मियों को नियुक्तिकरण के अधिकार दिए जावे तथा तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउटसोर्स से भर्ती पर रोक लगाया जाए तथा कार्यभारित कर्मचारियों को अवकाश नवदीकरण का लाभ दिया जाए। भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार की बात, मध्य प्रदेश के हुए कर्मचारी जो 5वें वेतनमान में 1 जनवरी से 30 जून के मध्य वेतन वृद्धि प्राप्त करते थे उन्हें एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। प्रदेश के पटवारियों को ग्रेड पे में 2800 रुपये किया जाए, ग्रेड पे 2800 किया जाए। इनके द्वारा दिया जा रहा है ये संयुक्त कर्मचारी संघ, सभी आल संघ जितने संघ है, क्लास 1 से लेकर क्लास 2, राजेंद्र तिवारी।